हेलो एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम क्रॉनिकल। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउंस के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी ग्रुप को जब हम कोई स्पेसिफिक नेम देते हैं तो इस स्पेसिफिक नेम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास के नाम से जानते हैं, जजेस के ग्रुप को हम ज्यूरी के नाम से जानते हैं। ऐसे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और उस वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन किया था, आर कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कलेक्टिव नाउन को सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स को एज अ सिंगुलर और प्लूरल हम कब यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि कोई भी कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उस ग्रुप में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर की वर्किंग या उनके एक्शन पर डिपेंड करता है कि कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगुलर यूज़ करें या एज अ प्लूरल यूज़ करें। व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वर्क टुगेदर एज अ टीम, देन द कलेक्टिव नाउन विल बी यूज्ड एज सिंगुलर, ठीक है। जब किसी भी ग्रुप के सारे मेंबर्स एक टीम की तरह काम करें, एक साथ मिलकर एक ही काम करें, तब उस कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। When members of a group work individually or separately, then the collective noun used in the plural form. ठीक है, जब किसी भी ग्रुप के members individually या separately काम करें तब collective noun का plural form use किया जाएगा। For example, the class is watching a movie. The class is watching a movie. इस सेंटेंस में क्लास एक कलेक्टिव नाउन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इस सेंटेंस में क्लास सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मूवी टुगेदर, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स मिलकर के एक मूवी देख रहे हैं, तो इस कलेक्टिव नाउन के सारे मेंबर्स, इस ग्रुप के सारे मेंबर्स एक जैसा काम कर रहे हैं, साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द कमिटी चूजेज अ न्यू सेक्रेटरी। द कमिटी चूजेज अ न्यू सेक्रेटरी, तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है इस ग्रुप के सारे मेंबर्स, इस कलेक्टिव नाउन के सारे मेंबर्स मिलकर के एक नया सेक्रेटरी चुनते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्ग्यूइंग। द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्ग्यूइंग, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है जो कि इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ जजेस की तरफ, ठीक है। और इस सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। इस कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, वो एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वो आपस में बहस कर रहे हैं, इसीलिए ज्यूरी किसी निर्णय तक नहीं पहुँच पाई है। ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन। आर्ग्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप के कुछ मेंबर्स का अपना अलग मत हो सकता है और कुछ मेंबर्स का अलग मत हो सकता है, ठीक है। तो ग्रुप के सारे मेंबर्स एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन है उसे हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एंड दैट पॉइंट इज़, जब हम किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे तो कलेक्टिव नाउन से एसोसिएटेड वर्ब्स और प्रोनाउंस भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे, और जब हम कलेक्टिव नाउन्स को किसी सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उस कलेक्टिव नाउन से एसोसिएटेड वर्ब्स और प्रोनाउंस भी प्लूरल फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड देयर कंक्लूजन। द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड देयर कंक्लूजन। इस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन है वो है ज्यूरी, और हमें इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ज्यूरी ने मिलकर के एक निर्णय ले लिया है। निर्णय तब आता है जब ज्यूरी के सारे मेंबर्स मिलकर के कोई एक डिसीजन लेते हैं और उस पर अपना फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप के सारे मेंबर्स मिलकर के एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। अब इस कलेक्टिव नाउन से एसोसिएटेड वर्ब्स और प्रोनाउंस भी किस फॉर्म में होने चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। सो लेट अस चेक। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, ये सिंगुलर फॉर्म में है, सो दैट इज़ करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन है
देयर ये प्लूरल फॉर्म में है जो कि इनकरेक्ट है. इसे होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में. तो देयर की जगह हम यूज करेंगे इट्स का. तो करेक्ट सेंटेंस होगा द ज्यूरी हैज डिसाइडेड इट्स कंक्लूजन ना कि देयर कंक्लूजन. राइट. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. द ज्यूरी हैज नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्ग्यूइंग. ये सेंटेंस इनकरेक्ट फॉर्म में है. लेट अस चेक कि इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा. तो इस सेंटेंस में है कलेक्टिव नाउन ज्यूरी. ठीक है. तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो वर्ब्स हैं और जो प्रोनाउंस हैं वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए. प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए. सो सबसे पहले जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ये हमें इस सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में दी गई है जबकि इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज़ की गई है. तो हैज़ की जगह हमें यहाँ पे हैव इस सेंटेंस में यूज़ करना होगा. आगे हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो किस फॉर्म में है. प्लूरल फॉर्म में, जो कि एकदम करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज़ की गई है. तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा. द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन बिकॉज दे आर स्टिल आर्ग्यूइंग. ठीक है. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है. इफ़ यू टॉक अबाउट मोर देन वन ग्रुप देन वी विल यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द कलेक्टिव नाउन. ठीक है. यदि हम किसी एक से ज़्यादा ग्रुप के बारे में बात करें तो हम कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैनी कमिटीज़ हैव बीन फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स. पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी सारी कमिटीज़ या समितियाँ बनाई गई हैं. तो इस सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन है वो इट्सेल्फ प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक ग्रुप के बारे में नहीं एक से ज़्यादा ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन इट्सेल्फ प्लूरल फॉर्म में है. सो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.